अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंटों से लोग आए हैं उनका कार्य अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। हमारे जहां पर केंद्र की तरफ से जितने भी जहां पर आए हैं वो फील्ड में काम करती हैं और स्मिता शर्मा जी जो नगोटा से हैं, मैं सबका और हमारे जहां पर बच्चे और बच्चियां आई हैं मैं सबका दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो देखते हैं कि आपको कहीं भी जाना है ये कोई पैसे डालने की कोई जरूरत नहीं है, बिना पैसे लिए आप पूरे देश में घूम सकते हो। जहाँ भी आपने पैसे जहाँ पर कुछ सामान लेना है हर चीज पर जो है फोन होता है आप मोबाइल के थ्रू गूगल के थ्रू से पैसे डाल सकते हैं। आजकल कोई खतरा नहीं है कि आप जमाना है इन्वेस्टमेंट का है ऑनलाइन का है, तो मुझे लगता है कि आपने जो जो भी अपने फैमिली में है आपके फ्रेंड्स में है आपके परिवार में है आपके गांव में है कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उनको बताना चाहिए कि कौन सी इन्वेस्टमेंट सही है कौन सी ठीक है कहां से आपको लॉस है कहां से आपको प्रॉफिट है। तो ये सब चीज़ें आपको इनके बारे में बताएंगे हमारे जितने भी हमारे रिसोर्स पर्सन आएंगे और आपने ये चीज़ें सीख के अपने गांव में यूथ क्लब के माध्यम से मेगा मंडल के माध्यम से हमारे एक्स वॉलंटियर के माध्यम से एक यूथ क्लब बना के छोटे छोटे सेमिनार ग्रुप डिस्कशन में या छोटे छोटे वेबिनार हो चाहे वर्चुअल मीटिंग हो उसमें भी आप सबको ये जानकारी दे सकते हैं ताकि ये अवेयरनेस हर जन तक हर गांव तक हर यूथ तक पहुंचे। तभी इसका हमारे गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है तभी इसका एक हमारे सफल स्कीमें होंगी तभी इसका एक मकसद हमारा पूरा हो जाएगा। अगर हमारे देश में तरह तरह के युवा हैं तरह तरह के लोग हैं और प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उनके बाद यहाँ से इतना तरक्की होगी आज हमें बैंक में इतना जो बच्चा जो किसान जो युवक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जमा करके अपने प्रोग्राम के माध्यम से आपको ये जानकारी दें कि कहाँ पे आपने एक अच्छी सी आपका भविष्य हो आपका अच्छा फ्यूचर सारी चीजों में आती है और सबसे ज्यादा जागरूकता आती है जब हम पैसे की बात करते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो पैसे के बारे में जागरूक है या होना चाहते हैं? मैं इनसे बात करूँ, मैं स्टेज पर खड़ा होकर बात नहीं करता, जागरूक नहीं होने देंगे, जागरूक होना चाहिए। जब हम बात पैसे की जागरूक कितने साथियों को ये लगता है कि पैसा जोड़ने की कौन सा साधन है? आप कोई भी साधन होता है आप हाथ खड़ा कीजिए देखेंगे आपको कौन सा साधन होता है। मेरे साथी हाँ जी मेरे दोस्त ये साधन यही तो मैंने पूछा कि तो आपको जो वो पैसे है ना वो तीन साल में नेगेटिव ग्रोथ दे रहा होता है तो जब भी आप वो पैसा निकालोगे उसमें पैसे हैं तो सिर्फ 500 रुपए से भी स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है आपको एक भी ब्रांच पर ले जाना जहाँ नंबर दे देंगे उसमें क्या ब्रांच पर जाकर फॉर्म फिल कराएंगे उसके बाद क्या होगा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट